ओम कर्पूर घोरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं काशी विश्वनाथ। मैं बात कर रहा हूँ उसी काशी विश्वनाथ की, जहां पर जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, यहाँ अगर वो मतलब परलोक को चले जाते हैं, उनकी मृत आत्मा यहाँ से प्रस्थान करती है, तो मोक्ष कहलाती है। उसी नगरी से आज बीएनबी टीम यहाँ पहुंची हुई है और यूं कहें कि बाबा काशी विश्वनाथ की असीम कृपा है कि यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस कृपा के पात्र यहाँ बने हुए अर्जुन पांडे आचार्य जी जो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के। जब जब हम काशी विश्वनाथ आते हैं इनसे मिलते रहे, इनको बीएनबी के माध्यम से काफी मतलब ये बीएनबी को काफी सहयोग करते हैं और जानकारी देते हैं कि ये बीएनबी से यहाँ का मोर्चा भी संभालते हैं, यहाँ का न्यूज भी ये दिखाते हैं और यहाँ के मतलब बायकादा ये पत्रकार भी है यहाँ से और अन्नपूर्णा माता मंदिर के पुजारी भी है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर, बरसों से रह रहे हैं, 10 साल से यहाँ पर ये रह रहे हैं, इनसे जानते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आप लोगों को वो अर्जुन कलिंका घाट जिसे कहा जाता है वो यही पर उसी घाट में हम लोग हैं, यहाँ पर हैं, जहाँ पर जो आया है सो जाएगा, ओला भी आप लोगों को अभी बीएनबी दिखाएगी। लेकिन फिलहाल आचार्य यहाँ पर अर्जुन पांडे जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानेंगे काशी विश्वनाथ नगरी की महिमा और क्या संदेश रहेगा अपने झारखंड वासियों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी आपको। विश्वेशम माधवम धुंडे दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहम गंगा भवानी मन कर्णिकाम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। आज बहुत ही हमें खुशी प्राप्त हो रही है कि जगन्नाथ जी हमारे बीच पहुंचे हैं और अपने टीम के साथ पहुंचे हैं और इनका जो टीम का नाम है वो बीएनबी नाम है। तो बीएनबी जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं सभी को काशी विश्वनाथ धाम से सभी को हर हर महादेव। और आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जगन्नाथ प्रसाद जी जो हमारे परम मित्र भी हैं और यूं कहिए जजमान भी, जजमान के स्वरूप में भी है। जब जब काशी यहाँ आते हैं तो बिना मिले हमसे, ये चाहे 2 मिनट का समय हो या 5 मिनट का समय हो, बिना मिले ये जाते नहीं हैं। और आज बड़ा ही प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, आनंद की भूति प्राप्त हो रही है कि माँ गंगा की गोद में है। और यहाँ से जितने भी लोग आते हैं झारखंड से, बिहार से, यूपी से, पूरे भारत से, ये साक्षात मोक्ष की नगरी काशी है। यहाँ जो भी लोग आते हैं गंगा स्नान, माता अन्नपूर्णा का दर्शन और बाबा विश्वनाथ का दर्शन। और विशेषता आज हम लोग उपस्थित हैं तो दिखा दीजिए मणिकर्णिका घाट जो कि कहा जाता है मोक्ष की नगरी है। साक्षात यहाँ पे विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहंगा भवानी मन कर्णिकाम, यह जो मणिकर्णिका घाट है यहाँ सती की कुंडल गिरी हुई थी तो उनके माध्यम से ये मणिकर्णिका कुंड बना हुआ है। आगे मैं दिखाना चाहता हूँ कुंड भी बना हुआ है। सती का कुंडल गिरा था। जी जी, सती का कुंडल गिरा था यहीं पे बगल में उनका कुंड निर्माण किया हुआ है। हम चलते चलते दिखाते हैं क्योंकि हम लोग ललिता घाट में फिलहाल यहाँ पर हैं। ललिता घाट इसे बोला जाता है, ललिता घाट है, माँ गंगा की गोद है लेकिन ललिता घाट में हम लोग उपस्थित है। और यहाँ के जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्माण किया गया है, इनका एक कॉरिडोर पूरा निर्माण किया हुआ, पूरा अवलोकन करिए देखिए। और बहुत बड़ी बात है कि बीएनबी का जो टीम है आज विगत 15 दिन पूर्व अयोध्या जितने भी वहाँ लोग आए गए, रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, श्लोक में कहा गया कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। जितने भी बीएनबी टीम से जुड़े हुए हैं बीएनबी के माध्यम से अवलोकन करने का प्राप्त मिला कि जितने भी लोग वहां आए गए रामलला किस प्रकार प्रतिष्ठा किया गया। और आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज काशी भी पहुंच गए हैं और काशी का छटा थोड़ा मैं कैमरा में चाहूंगा कि दिखाइए। काशी दिखाइए, काशी दिखाइए, मोक्ष नगरी जो मणिकर्णिका घाट वहाँ सामने में दिख रहा है, जहाँ चिता जलती रहती है 24 घंटा, कभी आग बुझती नहीं है। बाबा का विशेष कृपा, आइए बताते चलते हैं। तो देख पा रहे हैं हम लोग ललिता घाट में हैं और यहाँ से कनिका अर्जुन ना जी मणिकर्णिका घाट जहाँ पर मतलब यूं कहें कि बस अंतिम घाट है यह इंसानों के लिए, उसी घाट में आप लोगों को लेकर के जा रहे हैं। और यह विहंगम दृश्य जो देख रहे हैं वाकई बड़ा शांतिप्रद शांतिमय जैसा माहौल हो रहा है और बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसे जगह पर आने से। आना भी चाहिए, हर सनातनियों को आना चाहिए और आकर के अपने जीवन को सफल करना चाहिए। देखिए आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है, कहते हैं कि भ्रमण से भ्रम दूर होता है।
और जब आप भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भ्रम दूर होगा। और ऐसे ऐसे स्थानों में आप भ्रमण कीजिए जहां पर लोग देश विदेशों से भी आते हैं, और जहां पर शक्तिपीठ भी माना गया है कि सती का कुंडल यहां पर गिरा हुआ था, जब अंग उनका विभक्त हुआ था, 108 अंगों में बटा था, जब शिव ने उन्हें मतलब उस पर जो अग्नि कुंड में उन्होंने जब कर दी थी, तो उसके बाद वहां पर ये कुंडल भी यहां पर गिरा था। अधिक जानकारी हम लोग और लेंगे, लेकिन बताते चलें कि ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, मतलब के द्वारा निर्माण कराया गया है। और कहते हैं कि देखिए, अंतिम जो होता है लोगों का पड़ाव जीवन का, वो यहीं से प्रारंभ होता है। और जहां पर लगातार मतलब यूं कहें कि यहां पर लोग, यहीं से समझा जा सकता है कि जीवन का असली सत्य क्या है। और थोड़ा आइएगा प्रेम जी, जीवन का असली सत्य समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। आप देख पा रहे हैं उधर, चलिए उधर भी ले चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। देख रहे हैं कलोज से जहाँ चिता जल रही है, जहाँ चिता जल रही है, और जहाँ की वो कहते हैं ना कि ये अंतिम पड़ाव है लोगों का, और वो काशी नगरी है जो जहाँ से लोग दूर दराज के आते हैं और अपने पार्थिव शरीर का यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाते हैं। और आप लोगों को विशेष दिखाएंगे, अभी हम लोग कॉरिडोर के सामने हैं। देखिए ये कॉरिडोर को रास्ता जाता है यहाँ पर, और लोग मतलब काफी दूर दराज के लोग आते हैं और आनंद लेते हैं। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, तो देख पा रहे हैं ये जीवन का अंतिम सत्य, जिसे कहा जाता है राम नाम सत्य, उस स्थान पर आज VNV की टीम पहुंची हुई है और आप लोगों के लिए शुभ मंगल कामना करती है। आइए अब दिखाते हैं आप लोगों को कॉरिडोर, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा यह मतलब निर्माण कराया गया है। बड़ा ही अच्छा और सुंदर कॉरिडोर है जो आप देख पा रहे हैं, अलौकिक नजारा। आइए ऊपर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा काशी विश्वनाथ से, और वहां तो वैसे कैमरा ले जाने आएंगे और दिखाएंगे। देखिए आए हैं कौन कंट्री, योर कंट्री जापान, 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 हियर फीलिंग yes, so good. Yeah. Indian people, it's so kind. Silent mode. यहाँ बताओ, ठंड एकदम बिल्कुल सुकून सा लगता है ना, बिल्कुल सुकून, मतलब फीलिंग इज साइलेंट, शांति शांति फीलिंग, अ फीलिंग इज सो गुड। तो बोल रहे या सो गुड इन इंडिया जापान, योर गुड नेम या बोस 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 ऑफ गुड युता युता या What's your name? Your country is Japan. Japan, yeah. My name is Jagannath. Jagannath. BNB All India News. What of topic? What's of topic? This is my... thank you. Okay, thank you. ठीक है, देखिए जापान से आए हुए हैं यूथा, मिस्टर यूथा, बड़ा अच्छा लगा इनको। अंग्रेजी मेरी कमजोर है, पूरी बात नहीं कर पा रहा हूँ, ये अंग्रेजी पूरा समझ में भी नहीं पा रहा है, जापानी भी है। चले जो भी है, ठीक है, आगे आप लोग को और लोगों से मिलवाते हैं। ओके 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 तो देख पा रहे थे यहाँ पर जापान से लोग आए हैं, मतलब ना जाने कौन कौन से देशों से आते हैं, लेकिन आते रहते हैं और लोगों से आपको। देखिए बाबा कहाँ से आए, बाबा डुमरी प्रखंड से आए हैं, पारसनाथ से। कैसा लग रहा है इधर आनंद? बहुत आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। साधु साधु लिए नहीं लिए? लिए है, मिला है, अंदर लेके चला है लोगों को। और वाकई जगह ही ऐसा है कि आनंद आने लायक है। लखपति जी आप कुछ नहीं बोलिएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए हम भी ड्राइवरी करते हुए आइए आप लोगों को कॉरिडोर लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि बड़ा ही विहंगम तरीके से बनाया गया है, बड़ा सुंदर बनाया गया है। आइए आप लोगों को कॉरिडोर लेकर के चल रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे, काम नहीं चलेगा। कहाँ से आए भैया? हम लोग तो आए बिहारी, बिहार से। बिहार में कौन जगह से? अरवल जिला से। अरवल जिला से? अरवल जिला से, जी। अरवल जिला बिहार से आए हैं। और देखिए दूर दराज के लोग आते रहते हैं यहाँ पर, और बताया जाता है बड़ा शांति और सुकून मिलता है ऐसी जगह पर आने के लिए। आइए आप लोग भी बताइए कहाँ से आए, थोड़ा परिचय दीजिए। नमस्कार, हम महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, काशी में फर्स्ट टाइम आए। बहुत दिन से बहुत इच्छा थी कि बाबा का दर्शन करना, आज सुबह सुबह दर्शन हो गया, बहुत मन प्रसन्न हो गया। हमारे फैमिली के साथ हम आए। कैसा फीलिंग कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है,
अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार काशी में दर्शन हुआ है। योर गुड नेम? ओमकार अमरनाथ मैत्री। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास का स्टूडेंट आया, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं आप चाची। आंटी कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा हुआ, बहुत खूब खुश हुआ मैं। अच्छा लगा? अच्छा लगा। आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। हम पूजा कर लिए, दर्शन कर लिए। ओ, बहुत अच्छा हुआ दर्शन। अच्छा, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिए, अच्छा लगना जरूरी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा ने जो किया हमारे पूरे फैमिली के लिए वो बहुत सुंदर, और मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि भगवान शिव का पूजा पाठ करेंगे फिर आगे आप यहाँ? हाँ बिल्कुल करेंगे, यहाँ जाने के बाद करेंगे। करेंगे आज से। पहले कौन से भगवान की पूजा करते थे आप? पहले शिव भगवान, गणपति भगवान, सबका करते थे। अभी इधर आए तो स्पेशली उनका चालू करेंगे फिर से। शिव जी का? हाँ। शिव जी का मंत्र वगैरह कुछ आता है? शिव जी का ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बताइए क्या आता है? सिर्फ ओम नमः शिवाय? हाँ उतना और आते हैं, लेकिन अभी पहले 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो देख पा रहे भक्ति में लोग रंग चुके हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आप भी महाराष्ट्र से आई हैं? कर्नाटका से हैं। कर्नाटका से हैं हम लोग। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? बहुत नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, कर्नाटका से आए आप लोग? अच्छा, चलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, अन्य अन्य राज्यों से श्रद्धालु ये गण आते हैं और आकर के यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। कहते हैं कि जीवन का आनंद अगर लेना हो तो भ्रमण करना पड़ेगा, और जब आप भ्रमण ऐसे स्थानों में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। कॉरिडोर का मुख्य द्वार यहाँ पर है, जहाँ से आपको इधर जाना पड़ता है, और आप यहाँ से कॉरिडोर का रास्ता शुरुआत करेंगे। आइए अंदर का दृश्य आप लोग को दिखाते हैं, कैसा तैयारी की गई है, किस प्रकार व्यवस्था की गई है। लोग दूर दराज के आते हैं तो यही कारण है, लोगों को हर सुविधा, शौचालय वगैरह की भी यहाँ पर व्यवस्था है, सारी चीजों की व्यवस्था दी गई है, और बड़ा ही अच्छा दृश्य है। इधर से आप मंदिर भी प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, बड़ा ही अच्छा है। तो जो दर्शन करके भी लोग इधर से निकल रहे हैं, और बताया जाता है सामान आपको यहाँ रखना पड़ेगा, मोबाइल तक भी यहाँ से ले जाने नहीं देता है। अब देखते हैं हम लोगों का क्या होगा। राम मंदिर तो आप लोग को दिखा दिया थे बीएनबी ने, अब काशी विश्वनाथ आए हुए, देखते हैं आगे का क्या नजारा रहता है, कहां से लोग आए, उन लोगों से हम लोग मिलेंगे। कहां से आए भैया आप? हम लोग भैया कानपुर से आए हैं। कानपुर, आगरा? हाँ नहीं नहीं, कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर, वहाँ कानपुर से मैं गया था अयोध्या, अयोध्या से कल आया हूँ। कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, पहले से की अपेक्षा तो यहाँ तो पूरा चेंज हो गया है। अयोध्या कैसा लगा? अयोध्या की तो जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। कम है, कम है, कम है, कम है। मतलब बहुत अच्छा बनाया, देखने लायक बनाया। लोगों को अयोध्या जाना चाहिए, बहुत बिल्कुल जाना चाहिए, और आना चाहिए। बनारस भी आना, बनारस जाना चाहिए, मथुरा भी जाना चाहिए, देख पा रहे हैं अयोध्या जिनको जाना चाहिए, बनारस भी आना चाहिए। बनारस बीएनबी का छूट गया था इसलिए वापस बीएनबी, वापस बनारस दिखाने के लिए आई है। कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? कानपुर से। पूरी फैमिली आप लोग हैं? आप पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी बार आए, पूजा पाठ कर लिए, दर्शन? अभी नहीं, बस दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं आप? हम भी दर्शन करने जा रहे हैं। कैसा लगा आने के बाद? अच्छा लगा। चलिए, तो लोगों को अच्छा लगना भी स्वाभाविक है, ऐसे स्थानों में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। अभी अनवी सच है तो बोलेगा और लोगों से। अच्छा, कैसा लगा भाई साहब? भाई साहब बिल्कुल मन मुग्ध हो गया, इतना मतलब शांति के साथ में सब कुछ मिलता है भाई। यहाँ लगता है यहीं बस जाओ, इसके अलावा छोड़ के जाओ नहीं। अरे यहाँ तो अंतिम स्थान, अरे तो अब बस यही रहो, और क्या है, मोमाया मोमाया सारे। अरे बहुत बड़ी बात कह दी भाई साहब ने। क्या नाम हुआ आपका? राम जी शुक्ला नाम है। राम जी शुक्ला ने कह दी बड़ी बात, तो कह रहे कि यहीं पर स्थान ही पकड़ लो ताकि जाने में दिक्कत नहीं हो, ले जाने में किसी को परेशानी नहीं हो, चार लोगों को जरूरत भी ना पड़े। तो निश्चित रूप से कोशिश करना चाहिए, जिसने अध्यात्म को पा लिया है, राम को पा लिया है, उसको यही करना भी चाहिए। लेकिन लोग मोह माया में अकड़े हुए हैं, मोह माया में जकड़े हुए हैं, क्या करे, आखिर करे तो करे क्या, और जाए तो जाए कहाँ। लोगों मोह माया ने इस प्रकार पकड़ रखा है लोगों को, छोड़ता ही नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों में आने के बाद में मोह माया कम हो जाती है। क्या भाई, कम होती है ना? भ्रमण से भ्रम दूर होता है, और अगर ऐसे स्थानों में आप आते हैं तो निश्चित रूप से भ्रम आपका दूर होगा। आपका क्या कहना है, चाहिए बताइए। एक नंबर व्यवस्था देखकर मिजाज खुश हो गया। मिजाज खुश हो गया। कहाँ के रहे वाला चाचा आप?
गढ़वा जिला। गढ़वा झारखंड में? हाँ। तार तो बढ़िया बात है, हम उन्हीं झारखंड के ही हो ना। हाँ, कैसा लग रहा था? बहुत सुंदर लगा, पहले आए थे, आज के परिवेश में इतना बदलाव हुआ जी जी कि मिजाज गदगद हो गया। मिजाज गदगद हो गया। आप साथ में है चाची? दोनों साथ में? तो दोनों रहिए नहीं रहे, अलग अलग काहे रहते हैं, झारखंड वाला सिस्टम गड़बड़ है। देखिए बाहर कैसा लग रहा चाची? यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा। स्नान उस्नान पूजा पाठ हो गए? दर्शन हो गए? दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग भी दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। झारखंड गढ़वा से आए हुए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? श्री कन्हैया तिवारी। कन्हैया तिवारी जी, देखिए तिवारी बाबा है यहाँ पर आए हुए। देखिए एक बाबा और हम लोग के हैं, ये झारखंड के हैं, गिरिडीह जिला के, ये अन्नपूर्णा माता मंदिर में रहते हैं और यहाँ हम लोग के साथे में। ये लकड़वा रखिए बेटवा, दिखवा लीजिएगा, इसी में आपका निजवा आएगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। खराब है क्या आपका? नहीं, आप टेंशन में अभी तक खोए हैं ऐसे स्थान में आकर के? आनंद में रहिए और भगवान का नाम दीजिए निश्चित रूप से। अच्छा अच्छा, हाँ भूखे हैं और बहुत चलना पड़ा, तो दर्शन आप लोग कर लीजिए। चलिए ऐसा दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। सब साथ में आप लोग हैं? चलिए चलिए ठीक है, कार्ड दे दीजिएगा, इसमें हमारा चलेगा, देखवा लीजिएगा। चलिए हम लोग और चलते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और कैसे कैसे लोग आए हैं यहाँ पर दिखाते हैं। लोग अभी दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं और कोई कोई एकादशी व्रत किया है जिन्होंने कल, वो भूखे भी हैं। हम लोग चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और आनंद लेंगे। दीपक तुम दे रहा है ना रे? दीपक 30 सेकंड का चालू है। देखिए दर्शन करने जा रही हैं आप लोग, दर्शन करके आ गई? आ गए। कैसा लगा दर्शन करने के बाद बताइए? हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, हम लोग करके आ गए अभी दर्शन, वीआईपी दर्शन थे। लोकेशन पैलेस कैसा लगा आप लोग? बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, पहले से बहुत चेंज है इसमें, शांति सुकून मिल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको? बहुत अच्छा लगा हमको। कहाँ से आप लोग? पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुणे से पहली बार आए यहाँ पर? पहली बार आए, पहली बार आए, पहली बार आए। आप दीदी? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। पूजा कर लिए? हाँ। दर्शन हो गया बाबा? हाँ। ये बिटिया बेटा है? हाँ बेटी है। क्या नाम रखा आपने? याना है? याना, याना, देखिए याना है। चलिए जल्दी मिलो आप कैटरीना से, याना जल्दी मिलो आप कैटरीना से। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। पुणे से बढ़िया लगा क्या? मुंबई पुणे से अच्छा लगा क्या? यहाँ वो जगह अलग है, ये जगह अलग है, यहाँ अध्यात्म है, वहाँ पर क्या बोलते हैं भौतिक है और यहाँ आध्यात्मिक है ना। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। अदिति जी का जो देख पा रहे हैं, मुंबई पुणे से भी लोग आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं आकर के यहाँ पर। ये मेरा भी कार्ड है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग का न्यूज। चलिए और लोगों से आप लोग को मिलवाते हैं। देखिए हमको लग रहा है कि यहाँ तक कैमरा कहाँ तक जाने दिया जाता है, आगे तक है। चलिए आगे तक कृपा बनी हुई है बाबा भोलेनाथ की, चलते हैं हम लोग। और सारी सुविधाओं से लेस है यहाँ पर, साफ सुथरा स्वच्छ और बड़ा ही मनोरम अद्भुत अलौकिक दृश्य है जहाँ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं दर्शन करके। देखिएगा ये दीपक तैयार रहना बेटा, कैसा लगा, कैसा फील किया? हम नहीं, अभी मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना, जो बता तो सकते हैं ना, दर्शन नहीं किया आपने? बहुत सुंदर लगा है, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। हाँ दर्शन कर लिए, दर्शन करके निकले? हाँ दर्शन करके निकले, बहुत दिव्य जगह है। कहाँ से आए भैया आप? हम आए हैं प्रयाग राज संगम नगरी से। अरे वो तो वो भी जगह तो बड़ा, हाँ बहुत बढ़िया जगह, जहाँ त्रिवेणी संगम है, बड़ा अच्छा। हाँ त्रिवेणी संगम से हम आए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी, और बहुत दिव्य जगह यहाँ पे बनवा दिया है मोदी जी ने। मोदी जी जब आए थे तो यही स्नान किए थे, इसी घाट से वो घड़े में पानी ले जा करके महा बाबा जी को दर्शन कराया था। दर्शन कराया था, हाँ। आप भी नहाए? हाँ हाँ दर्शन, यही नहाए क्या? नहीं संगम नहा के आज त्रिवेणी में। अच्छा, नहीं हम लोग तो यही से नहाए। अरे भाई आप साथ में हैं आप लोग? अरे भाभी जी तो बोलो कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, पहली बार आए, पहली बार आए पर दिल खुश हो गया, पहली बार ला रहे हैं इतना जी, धन्यवाद। ऐसे रहिएगा आप, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी बुलाते रहेंगे हम लोग, बिल्कुल बाबा जी कृपा होगी तो आते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए मेरा कार्ड, धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम और लोगों से आप लोग को मिलवाते हैं, दिखाते हैं और बात कराते हैं। देखिए पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास आप लोग आ सकते हैं। और देखिए ये लोग फॉरनर वगैरह सब आ रहे हैं बाहर से, इन लोगों से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, लेकिन इनमें से मेन कौन है? आओ देखिए कैसा, व्हाट फीलिंग, फीलिंग 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 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल कर रही है, आओ फीलिंग या। तो देखिए बात ऐसी है कि अंग्रेजी थोड़ी हमारी भी कमजोर है और समझ में नहीं आता कि आखिर बोलना क्या, लेकिन चलिए और लोगों से मिलवाते हैं आपको और दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और जगह है बड़ा दिव्य और अलौकिक अद्भुत, और यूं कहें कि
ऐसे स्थानों पर लोगों को आना चाहिए और अपना जीवन को सफल करना चाहिए। हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ नगरी के प्रांगण के करीब है, जहाँ से पूजा पंडाल मतलब यहाँ से शुरू होता है। देखिए कहाँ तक कैमरा का अलाव ये पता नहीं, लेकिन देखते हैं दर्शन करके लोग आ रहे हैं, देश विदेश के भी लोग पहुंच रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, यहाँ एक से एक लोग आ रहे हैं। और प्रेम जी हमारा किधर है, सब ठीक है ना प्रेम जी? हाँ चल रहा है प्रेम जी। चलिए किधर से हम लोग को जाना है अब देखना पड़ेगा, यहाँ से लाइन लगना पड़ता है, यहाँ से लाइन लगना पड़ता है। और देखिए यहाँ किधर से जाना है? नहीं लेके जा रहे, नहीं लेके जा रहे, यहाँ कहाँ? यही तक अलाव, यही पूछने के लिए हम आए, यही तक अलाव है सर। कैमरा बंद करो, कोई बात नहीं, हम लोग यही तक अलाव है ना। कैमरा बंद करो, यहाँ ये सब नहीं चलता। चलिए अब यहाँ से बंद किया जाता है, यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से कैमरा ले जाने के लिए प्रतिबंध है, तो यहाँ तक ही आपको बीएनबी दिखा सकती है। और बने रहे बीएनबी के साथ, और नजारा आपको बीएनबी दिखाती रहेगी। तब तक बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सब में जयते, वंदे मातरम, जय भोलेनाथ, जय बाबा काशी विश्वनाथ। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।